अक्टूबर को जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 मंजिल तोड़े जाएंगे, आज उन्होंने इसको तोड़ना शुरू कर दिया है स्वतः। वो कह रहे हैं कि उनके पास फंड का क्रंच है जिसमें 5 से 6 महीने इनको तोड़ने में लगेंगे, जबकि इनको 2 महीने का समय दिया गया है। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कितना? नहीं देखिए, मैं तो पहले तो जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उसका वेलकम करता हूँ। जो उन्होंने वॉलंटरीली तरीके से अवैध जो भवन है और उसके जो अवैध पोर्शंस है, जो 3 फ्लोर है, उसको डिमोलिश करने का जो फैसला है, उसको अमलीजामा आज से पहनाना शुरू किया है। मामला क्योंकि कोर्ट में है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, तो वहाँ पे वो इसकी अर्जी डाले कि हमको इसमें एक्सपेंशन ऑफ समय चाहिए, तो वहाँ पे इसका फैसला लिया जाएगा। मगर मेरा इसमें कुछ कहना मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहेगा। बाकी मेरा तो यही अपील है प्रदेश के लोगों से कि अच्छा माहौल बनाए रखें, इस तरीके की कोई भी परिस्थिति ना हो जिससे भाईचारा आपस में खराब हो। प्रदेश को हमें आगे लेकर जाना है और प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा हमको करनी है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र से है, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, हमने सब लोगों के हितों को देखना है और उनकी पैरवी करनी है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस फैसले को हायर एपीलेट कोर्ट में चैलेंज करने की बात भी कर रहे हैं। अब अभी हम एक संवैधानिक ढांचे में हैं, लोकतंत्र में हैं, जहां पे कोर्ट्स की अपनी गरिमा है, अपना एक रोल है, और अगर किसी फैसले को कोई भी संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपील में हायर कोर्ट में जाना चाहती है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं देखिए, अब वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है और उन्होंने ऑलरेडी जो है वो आपके कोर्ट में, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर का कोर्ट है, वहाँ पे ये कहा था कि हम इसको 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 जो इसमें अवैध पोर्शन है उसको गिराया जाएगा। उसकी प्रक्रिया आज शुरू की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। भाईचारा प्रदेश के अंदर बना रहे, ये भी हमारा दायित्व है। प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना, ये हमारा दायित्व है। प्रदेश में ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे कोई भी वातावरण में जो है कोई जो है भाईचारे में गिरावट आती है, ये भी हमारा दायित्व बनता है। तो हम इस दृष्टि से पूरे मजबूती से कार्य करेंगे। मेरा उनसे यही निवेदन है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम उनको दिया गया है 3 महीने का, उसमें पूरा करे। अगर उसमें उन्होंने कोई आगे अपील करनी है तो वो कोर्ट में करे और कोर्ट से उसमें जो फैसला आएगा उसके हिसाब से फिर उसमें आगे देखा जाएगा। वो फंड की कमी आ रही है कमेटी को? नहीं, वो क्योंकि कोर्ट में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है, कोर्ट को ये बात कही है, तो मेरा तो उनसे यही निवेदन रहेगा कि इसमें वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करे कि हमको इसमें और समय अवधि की आवश्यकता है, एंड लेट द म्यूनिसिपल कमिश्नर डिसाइड कि उसमें कितना समय देना है या नहीं देना है। मगर शुरुआत हुई है और अच्छे रूप से शुरुआत हुई है। उन्होंने भी वॉलंटरली इसको, जो इसमें अवैध पोर्शन है, उसको डिमोलिश करने की बात करी है, तो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव स्टेप। और प्रदेश में मेरा तो यही अपील रहेगा प्रदेश के लोगों से कि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय राज्य है, देवभूमि है, और यहाँ पे अच्छा वातावरण बना रहे, प्रदेश के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहे, टूरिज्म भी यहाँ पे बड़ा, बाहर से लोग यहाँ पर आए, हिमाचल की इकोनॉमी बढ़े, ये हमारा वो है सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि टूरिज्म हिमाचल का सबसे बड़ा जो है वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और अगर इस तरीके की कोई भी माहौल प्रदेश के अंदर बनता है तो उससे टूरिज्म इफेक्ट होता है। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि भाईचारा बना रहे, प्रदेश की अच्छी इमेज पूरे देश में, पूरे विश्व में जाए, और हम हिमाचल को आगे ले जाने में आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलें।